हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। आप देख रहे हैं इस टेली को आपका चैनल, और आज फिर एक नया वीडियो नए टूल के साथ। दोस्तों आज मैं क्या क्या बताऊंगा, आज बताऊंगा BSNR का TX140 कमाल का कटर है। अगर आपको दिक्कत जा रही है पत्रे काटने में, सील्ड जिसको बोलते हैं, परचेस करो। दूसरा री लाइफ का आपको यूवी ग्लू। सो ये जो यूवी ग्लू है काफ़ी गजब का है, और इसके मैं पूरा एक प्रैक्टिकल रिव्यू दूंगा, काफ़ी गजब का है। बोलते हैं ना आप कि सर जंपर लगाने के बाद भी, ग्लू का जंपर लगाने के बाद भी हमारा जंपर टूट रहा है, निकल रहा है, तो रीज़न क्या भैया, ये लो। उसके बाद एक और मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आपके पास होगा, ये मैंने लिया है वेमोन का WM923। ये लिया मैंने वेमोन का WM923 सीरीज़ का iOS एंड एंड्रॉयड बैटरी एक्टिवेटर, इसको बैटरी एक्टिवेटर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे पास था, बट एक और ज़रूरत थी हमें, क्योंकि असल जो डेड फोन आते हैं मार्केट में तो जनरली बैटरी डिस्चार्ज होती है, उनको चार्ज करने के लिए सबसे बेस्ट है। जिनको नहीं पता देख लीजिए, और जिनको पता है तो वो नेक्स्ट टूल का इंतज़ार कीजिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ एंड्रॉयड, iOS एंड एंड्रॉयड, और काफ़ी आपको कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे, डोर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको एक्टिवेटर मिलेगा बूस्ट करने के लिए, और एक इसकी वोल्टेज रेगुलेटर, एक IC लगी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मॉसपैड लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ इन्होंने अलग मॉसपैड सर्किट बना के रखा हुआ है ताकि प्रोटेक्शन बना रहे, काफ़ी अच्छा सर्किट है। तो इसको एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक 5A की बैटरी है, सो मैं इसमें लगाता हूँ यहाँ पर। सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत सारे लोगों को इस तरह से लगाते हैं तो ऐसे लटकता है, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह का इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं 5A की ये बैटरी लगा रहा हूँ इस पर। सो देखिए, मैंने इसकी बैटरी को लगाया 5A की। अब इन्होंने मुझे यहाँ बता दिया कि कितना वोल्टेज है इसके अंदर, और यहाँ पर भी एम्पीयर शो नहीं करेगा, ये एम्पीयर तब शो करेगा जब मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा या कोई सोर्सेज दूंगा इसको बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये मेरा लो होता तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा कितना लो है, जीरो। अगर मान लो ये जीरो होता और जब मैं इसमें चार्जर लगाता तो ये मुझे, हाँ ये मुझे ये भी बताता है कि मेरी बैटरी चार्ज होगी कि भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मैं एक चार्जर लगाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक चार्जर लेके इसको इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप जैसे ही एम्पियर देख रहे हैं, अभी यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप यहाँ पे एम्पियर जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक चार्जर को ऐड करूँगा, एक सोर्सेज दूंगा बैटरी को, क्योंकि भाई हम सोर्सेज देते हैं, हम 4 वोल्टेज हमें देना है इसको, तो हमने यहाँ पे दिया। आप देखिए यहाँ पे 4.7 वोल्टेज इनपुट हो रहा है, जो कि अब चार्जर से इनपुट हो रहा है, तो इसको मैक्सिमम वोल्टेज इतने मिल रहे हैं, जो कि एक सही है। और यहाँ पर आपको एक एम्पियर दिखाई दे रहा होगा, 1.43 एम्पियर से ये बैटरी चार्ज हो रही है। मान लीजिए अगर ये देने के बाद भी यहाँ पे 0.0 होता तो डैट मीन ये बैटरी ख़राब है, इसका कोई काम नहीं है, आपको बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है बैटरी एक्टिवेटर जरूर परचेस करें। अगर आपको परचेस करना है ये बैटरी एक्टिवेटर, तो आपको लिंक दे, आपको नंबर दे रहा हूँ, ZX मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये हो गया बैटरी एक्टिवेटर। इसके साथ क्या मिलेगा आपको, एक आपको 5-पिन चार्जिंग केबल मिलेगा, खाली चार्जिंग केबल है ये, और ये आपको DC का प्लस माइनस मिलेगा, ताकि आप ये लगा के भी आप DC से भी इसको चार्ज कर सको। तो ये दो केबल मिलेंगे, बाकी नॉर्मली भी आप इसको चार्ज, एक नॉर्मली चार्जर से भी आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हो, एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, ये है BSNR का कटर, सबसे बेस्ट। वहाँ से लोग बोलते सर पत्रा नहीं काटते बनता है, तो चलो आप सबको काटना सिखाता हूँ, सीख लो भाई फ्री में, कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं देता, सब सिर्फ रिव्यू 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 के वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको हमारे से सोल्यूशन मिलेंगे। तो ये आपको, आप इसको देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर TX140 इसका मॉडल नंबर है। तो ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, इसको स्प्रिंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, और इसका जो आप नोजल देख रहे हैं, और इसका जो आप ये देखिए, जो आप इसका ये जो नोजल देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, आप देखेंगे काफ़ी शार्प है। सो आप यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का आप मे बी यूज़ करते होंगे, आप दोनों में अंतर देखिए, ये देखिए कितना छोटा है कितना बड़ा है। सो और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं लगा, देखिए यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज़ हुआ है,
अब सपोज मुझे इसको यूज़ करना है, और देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ये पत्रा निकालता हूँ, बहुत सांप लिए घुस जाता है, देखिए कितनी आसानी से इसने कनेक्ट किया और इसने उसको काट दिया, ये देखिए। देखिए मैं ये निकालूंगा अभी, इसको गौर से देखिए, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम किया है इसने। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो और आप इसको परचेस करें। अगर आपको नहीं पता इसको कहाँ से परचेस करना है, तो मेरे भाई इसको परचेस कर सकते हैं आप ZX Milk से। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से परचेस करना है, तो इसको परचेस करिए ZX Milk, नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मॉडल है TS-140, फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा TS-140 BSNR का, इस तरह से ये प्रोडक्ट आता है। चलिए, तो ये हो गया मेरा अगला। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यूबी ग्लू। चलिए यूबी ग्लू के बारे में देखते हैं। आज तीन तीन प्रोडक्ट के रिव्यू यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसके अलावा जो ग्लू है वो दिखाता हूँ, जो आप परचेस कर रहे होंगे हजारों से। ये देखिए, ये दो ग्लू है, ये आप आई होप कि आप यूज कर रहे होंगे। इसमें ब्लैक कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रीलाइफ का एक ब्रांडेड है विथ बारकोड के साथ। बारकोड आपको ये बताता है कि कंपनी का ही प्रोडक्ट है, जिसको आप स्कैन करके आप इसकी वेबसाइट पर या इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये ग्लू आपको दिख रहा होगा। अब मैं रिलाइफ का ग्लू यूज करूंगा, यूवी पेस्ट, यूवी ग्लू, कुछ भी बोलिए आप इसको। तो आप दोनों में अंतर एक देख रहे हो। इसकी जो दोस्तों इसकी जो पकड़ने की क्षमता है जंपर को, वो काफ़ी कमाल की है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब देखिए इसको यूबी लैम्प से दोनों को सुखाते हैं। यूबी लैम्प, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप ZX Milk के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट देते हैं, मैं इसीलिए उनको रिफ़र करता हूँ। ये मैंने इसके बारे में भी रिवील किया था और एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा ये PCB स्टैंड है, हीट सिंकिंग PCB स्टैंड बोलता है, WL का है ये। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, जो मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगा जो मैंने इसका वीडियो बनाया है, वो है ये छिल्ली का मिडिल फ्रेम XXX और SX Max को रिबॉल करने का। ये तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, ये अगर आप आईफोन का काम करते हैं तो मेरे भाई ये परचेस कर लो, रिबॉलिंग की समस्या खत्म हो जाएगी।
देखिए दोस्तों, ये पेस्ट काफ़ी गाढ़ा दिखाई दे रहा है और ये उसके मुकाबले हल्का सा पतला है। तो कैसे लगे टूल बताइएगा ज़रूर। ये आपके लिए लाया है एज़र टेलीकॉम और हमेशा नए नए टूल आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो पर बने रहिए और अगर आपको चाहिए सोल्यूशंस के वीडियो और ऊपर से आपको रिपेयरिंग के वीडियो, तो हमारे एज़र टेलीकॉम चैनल को जाइए, एज़र टेलीकॉम लिखिए, उसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा एज़र टेलीकॉम चैनल। और अगर हमारे क्लास के आउटपुट देखना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी डेली की लाइव क्लास देखिए। देखिए कि पिछले दिन हमने क्या पढ़ाया था, देखिए कैसा पढ़ाया था, पढ़ाया था भी कि नहीं पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए फेसबुक में जाइए और लिखिए एज़र टेलीकॉम और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को एज़र टेलीकॉम फेसबुक ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, इसी तरह आपको सोल्यूशन देते रहेंगे हमेशा की तरह, सिर्फ रिव्यू नहीं। ये देखिए तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है। बेसिकली पहले टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के, कितने बजे हैं? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच।